हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, जो भी दिवाली के टाइम पे हेयर कट हुए हैं वो एक एक करके आप सब को मैं देने वाली हूँ, ताकि आप भी देखें कि किस तरीके का कटिंग हुआ है और कैसा कैसा लुक निकल के आया है हेयर कट का। तो इस कटिंग को आप कई सारे नाम बोल सकते हैं, जैसे ओनियन स्टेप्स कट, मल्टी, या फिर एडवांस वोल फ्लेयर स्टेप्स कट भी बोल सकते हैं। बहुत ही प्यारा लुक निकल के आया है और इनके हेयर की जो लेंथ है वो मीडियम है। प्रॉब्लम थोड़ा सा बालों पे ये हो गया कि हेयर काफ़ी रफ़ हो गया है, तो इनको ना शॉर्ट भी नहीं करवाना था। तो ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा रफ़ हेयर हो तो उसमें आप स्टेप्स कट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि जो भी स्प्लिट एंड्स हैं, जो भी रफनेस है नीचे नीचे से या बीच में, वो अच्छे से ट्रिम हो जाएगी और एक हेल्दी हेयर निकल के आएगा। तो यहाँ पे हेयर को मैं कॉम करके अच्छे से डिटेंगल कर ली हूँ। उसके बाद हेयर को हाफ हाफ डिवाइड करके सामने की तरफ लेके चलना है। तो सबसे पहले तो मैं इनसे लेंथ डिस्कस करूँगी कि कितना शॉर्ट करना है। तो लेंथ यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियम ही है, ज़्यादा शॉर्ट नहीं करवाना है इनको। तो इनको सिर्फ इतना शॉर्ट करना है नीचे से, बाकी लेंथ मुझे मेंटेन रखते हुए अच्छा सा लुक देना है। सबसे पहले क्या करें कि जो सामने का सेंटर पार्ट्स है वहाँ से मैं हेयर को निकाल रही हूँ। और इसको 95 डिग्री एंगल पे रखते हुए बराबर कट करना है। तो फ्रंट का ये जो सेंटर पार्ट्स वाला हेयर है, इसको मैं ए शेप में निकाली हूँ। सेम आपको ऐसे ही निकालना होगा। अब इसको क्या करना है, डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे, और साइड वाले हेयर को भी ए शेप में निकालेंगे दोनों तरफ के, और इसको इसी तरीके से मिक्स करते हुए 95 डिग्री एंगल पे कट करेंगे। इधर भी उसी तरीके से हेयर को लेना है। इस कटिंग का जो लुक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा निकल के आता है। इसको आप ना जैसे ए लाइन लेयर कट भी बोल सकते हो, ए शेप लेयर कट, बहुत सारे नाम दे सकते हो। बहुत अच्छा लुक निकल के आता है। तो जब आप हेयर को डिवाइड करोगे तो पार्टिंग से पार्टिंग को अच्छे से मिला लोगे, ताकि हेयर कटिंग का लुक दोनों तरफ एक जैसा ही निकल के आए। साइड वाले हेयर को ऐसा सिक्योर कर दे रही हूँ ताकि कॉम करने के टाइम पे फंसे नहीं। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं बट बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं, क्योंकि जब हम जल्दी जल्दी में कॉम करते हैं ना, तो पीछे के हेयर भी कभी कभी कॉम में फंस जाते हैं, जब रूट्स के पास से हम कॉम करते हैं तब। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए उसके लिए आप पहले ही हेयर को अच्छे से पीछे के साइड में सिक्योर कर दें, फिर कट करें। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरीके से मैं कट कर रही हूँ। जिग जैग भी कर देना है साथ के साथ। ये कट बहुत ज़्यादा अभी दिवाली में लोगों ने करवाए, जैसे ये वाला हो गया बटरफ्लाई। अब इसी से मिलता जुलता एक और वुल्फ कट है, वो वाला भी बहुत ज़्यादा हुआ है। शैग हो गया, बहुत डिमांड पे था अभी, मतलब यहाँ तक कि जो लोग पहले करवा चुके वो रिपीट करवा के गए हैं फिर से, इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आया। और ऐसा नहीं है कि शॉर्ट या मीडियम पे हुआ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लॉन्ग हेयर पे भी ये कट करके दी हूँ मैं अभी। तो बस इसी तरीके से हेयर कट को कंप्लीट करना है। अब इसको टू पार्ट्स में ऐसा डिवाइड करेंगे, नीचे की तरफ डाउन करते हुए तरीके से ग्रिप करना है, और तिरछा हल्का सा ट्रिम कर देना है। जो हमें अनइवन लगेगा सिर्फ उसको करना है बस। इधर भी वैसे ही करेंगे। तो थोड़ा सा मिक्स टाइप का ये कट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना हो सकता है कि आपको कटिंग ना समझ में आए। अगर आप पूरा कटिंग वीडियो अच्छे से देखोगे तो एक ही बार में आपको प्रॉपर जो प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से लेयर वाइज ऐसा सेक्शन वाइज हेयर को लेना है, अच्छे से कॉम करते हुए हेयर को सामने की तरफ लेके आएंगे।
अब पीछे के हेयर की जो लेंथ है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, तो उसको मैं इस तरीके से कट करूँगी, क्योंकि लेंथ को भी ध्यान में रखना है। अगर किसी के एकदम अच्छे लॉन्ग हेयर हैं तो आप एक जैसे ही सामने के जैसे भी कट कर सकते हो पीछे वाले को, लेकिन पीछे के हेयर छोटे हैं तो इस वजह से यहाँ पे अभी मैं तिरछा कट कर रही हूँ सामने की तरफ लाते हुए। अब एक साथ में हेयर को ग्रिप कर ले रही मैं, जो भी बैक साइड का पीछे का है, और इस तरीके से सामने के साइड ही लेना है। अब यहाँ पे आप देखिए मैं कितना लेंथ शॉर्ट करी हूँ, मेन जो नीचे का लेंथ है वो कितना जाएगा, इस तरीके से ग्रिप करेंगे और थोड़ा थोड़ा सिर्फ और सिर्फ 1 इंच के लगभग इनका हेयर शॉर्ट हुआ है। तो इन्होंने मुझे कम से कम 2.5 से 3 इंच के लगभग शॉर्ट करने बोला था हेयर, तो उतने में इनकी पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। चलिए अभी दूसरी तरफ का भी कटिंग बता देती हूँ कि कैसे करना है। गाइडलाइन को लेंगे, कटिंग करने वाले हेयर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। हेयर की थिकनेस को देखते हुए पीछे के हेयर को डिवाइड करेंगे। हेयर को सामने की तरफ लाते हुए तिरछा कट कर रही हूँ, तिरछा इसलिए कट कर रही हूँ ताकि जो लेंथ है वो ज़्यादा शॉर्ट ना हो, और बहुत ही प्यारा लुक निकल के आता है सच में। ये कट ना आप ऑल टाइप्स के हेयर क्वालिटी लेंथ एंड ऑल एज ग्रुप पे करके दे सकते हैं, अच्छा लगता है। जैसे कोई ज़्यादा एज का हो और उनको ज़्यादा सामने से स्टाइलिश लुक नहीं चाहिए, तो आप उनके लिए सामने के हेयर को थोड़ा सा लॉन्ग कट करें, ज़्यादा शॉर्ट ना करें। लेकिन अगर यंग गर्ल्स पे या फिर यंग एज को लोगों पे, ये कॉलेज को इन गर्ल्स पे करें तो थोड़ा शॉर्ट लुक देते हो ना तो अच्छा लगता है। और बाकी ये जो कटिंग है मैंने लॉन्ग हेयर पे भी बताया हुआ है कि कैसे करना होता है या फिर कैसा लुक निकल के आएगा, तो उसके वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा कटिंग कम्प्लीट हो जाता है। इसके बाद में हेयर को बैक साइड में ले जाके आप चेक कर लें, अगर आपको लगता है कि नीचे से फिनिशिंग देना है तो आप दे दीजिए, नहीं तो फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो मैं इनके हेयर को चेक करूँगी। तो इससे क्या हुआ ना कि इनके हेयर जो बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स वाले हो गए थे, बहुत रफ़ रफ़ से लग रहे थे, मतलब ओपन करने के लायक नहीं थे हेयर, इतना ख़राब हो गया था अभी हेयर। तो अभी काफ़ी ज़्यादा चेंज लग रहा है, बहुत सुंदर लुक निकल के आया कटिंग का। तो मैं इनके बालों पे नीचे नीचे से थोड़ी सी ट्रिमिंग करके देने वाली हूँ, हल्का सा शेप, यू शेप तो ऑलरेडी इसमें दिख रहा है, तो उसी शेप के हिसाब से हेयर को कट करना है। सेंटर पार्ट से हेयर को लेना है बराबर और साइड वाले हेयर को तिरछा, तो ऑटोमेटिक एक अच्छा यू कट का शेप जो है क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से, देखिए। अब रहा ब्लो ड्राई का सवाल, तो आप आउट गर्ल्स इन गर्ल्स जैसे लोगों को पसंद है वैसे करके दे सकते हैं। दूसरी बात है कि मैंने अलग अलग तरीके से ब्लो ड्राई प्रोसेस बताए हुए हैं कि आप प्रोफेशनल वे में कैसे करके दे सकते हैं, सेक्शन वाइज हेयर को डिवाइड करते हुए, और सिंपल टेक्निक्स भी मैंने बताई हुई है कि फ्लावर कट के जैसा आप कैसे करें। तो अभी मैं इनके हेयर पे फ्लावर कट वाले स्टाइल से ही सेटिंग करके देने वाली हूँ, वीडियो में बने रहिए और देखते हुए चलिए कि कैसे करना रहता है। तो यहाँ पर कटिंग हो चुकी है डन, अब मैं इनके बालों को ब्लो ड्राई करके इनका फाइनल लुक दिखाती हूँ आप सबको। हेयर काफ़ी गीले हैं, जब ये अच्छे से ड्राई होंगे तो बहुत अच्छे से आपको इनका लुक पता चलेगा। तो पूरे बालों को एक साथ में ऐसा ग्रिप करना है, और बालों को क्या है कि ड्राई करने के बाद पूरे हेयर पे अच्छे से ब्रश की हेल्प से हेयर को सुलझा लेना है ताकि पूरे बालों पे एक अच्छी शाइन आ जाए। उसके बाद आप ऊपर की तरफ ले जाके एक साथ में ग्रिप करते हुए सेट कर दोगे। अब देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है, पूरा फुल लेंथ ऊपर से नीचे तक हैवी हैवी से लेयर स्टेप्स ऐड हो गए हैं, और जो भी हेयर रफ दिख रहा था, अजीब सा हो गया था, वो पूरा कट हो चुका है। आप कम से कम क्लच करें, पोनी करें या फ्रंट में रखें,
ओवरऑल हर लुक में ये बहुत अच्छा लगने वाला है। बैक में आप इनकी फ्रेंड को भी देख सकते हैं जो इनकी फ़ोटो क्लिक करी, वीडियो शूट करी इनके हेयर का, वो भी अपना हेयर कट लेने वाली हैं, तो वो उनके हेयर कट का वीडियो इनके बाद में आएगा। पहले इस वीडियो को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो ये स्ट्रेट पार्टिंग से लुक है, और चलिए मैं आप लोगों को साइड पार्टिंग लुक भी दिखा देती हूँ कि कैसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा सामने से शॉर्ट नहीं की हूँ, क्योंकि जो कट हुआ है ना इससे परफेक्ट लुक आ रहा था, इनको मीडियम टू लॉन्ग चाहिए था, तो उसी हिसाब से मैं करके दी हूँ। ये देखिए, तो इनको बहुत पसंद आया पार्लर में बैठे, और भी बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा। बट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत ही नज़दीक से मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, ताकि जो लेयर्स दिख रहे हैं, जो स्टेप्स आए हैं, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए फिर बताना कि कैसा लगा। वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।